यहाँ पे, इसलिए ये सवाल आपसे पूछना लाजमी है। जैसे कि आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन काफी हुए हैं, आप लोगों के लिए और सभी महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने आगे जाके कंप्लेन की, फाइट की डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, तो वो वायलेंस के खिलाफ आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? ओके, लेट मी आंसर दिस, लेट मी आंसर दिस, मैसेज दीजिएगा। आई वॉन्ट टू यू नो टेल एंड आस्क दोस पीपल, कि लोग कहते हैं अच्छा दोबारा भी प्रॉब्लम, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता? कम से कम मुझ में गट्स है कि अगर दोबारा प्रॉब्लम हुई तो मैं पैरों पे खड़ी होकर बोल सकी बिना डर के कि आप लोग मेरे बारे में क्या लिखेंगे। मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे इसका फ़र्क पड़ा कि जो मेरे बच्चों के लिए सही है, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे घर के लिए सही है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए सही है, वो मैं करूँ। और कम से कम वो लोग जो यहाँ पर भी हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग होंगे घर में पत्नी है लेकिन फिर भी एक गर्लफ्रेंड है, या फिर हस्बैंड है फिर भी एक बॉयफ्रेंड है, उससे अच्छी हूँ ना मैं, उससे बाहर आके बोला ना डूड आई डोंट वांट टू स्टे विद यू, सो आई डोंट वांट टू स्टे एंड आई डोंट वांट टू डू इट, आई विल डू व्हाट इज राइट विदाउट केयरिंग व्हाट यू पीपल थिंक और व्हाट यू पीपल विल राइट अबाउट मी। और मैं, मुझे लगता है कि हाँ यू आर राइट, मैं एक ऐसा स्टैंड खड़ा करूँगी उन औरतों के लिए जो डरती हैं कि दोबारा अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई तो लोग क्या कहेंगे, वो कुड़ती रहेंगी, डरती रहेंगी, बच्चों को अच्छा ग्रोथ नहीं देंगी क्योंकि ये डर से कि पड़ोसी उनके बारे में क्या कहेंगे। सो लेडीज कम आउट ऑफ दिस पेन एंड डोंट केयर अबाउट देम। थैंक यू सो मच। या प्लीज। Hi, my name is Varun Badula. Hi, I'm Anjali Tatrari. And you are watching us on Glades Vision USA.